कुछ महीनों पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में सचिन पायलट और प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारने का फैसला लिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जादू को ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाली 16 विधानसभा सीटों पर काटने के लिए कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया की खुददारी और प्रियंका गांधी की आंधी पर दाव लगाया गया है। इस पूरी प्लानिंग पर सिंधिया का कहना है, अगर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए होने वाले आगामी उपचुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करती हैं तो भी बीजेपी को चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सिंधिया ने एक सवाल के जवाब में अशोकनगर जिले के राजपुर में संवाददाताओं से बीते दिनों कहा, ये मेरा मध्य प्रदेश एवं मेरा ग्वालियर चंबल संभाग है जहां सबका स्वागत है। प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव प्रचार से भी हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। उनसे मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी उपचुनाव में प्रियंका को लेकर ही सवाल किया गया था। सचिन पायलट को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आपको बता दें, सिंधिया ने दावा किया है 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और आगे आने वाले सालों में हम प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट को मैदान जंग में उतारने का फैसला कांग्रेस हाईकमान की ओर से लिया गया है, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस के तमाम नेता। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।